तो मैं कहूँगा यार आप एडवर्टाइजर हैं, कहूँगा एक काम करो ना, आप अपना प्रचार मुझे दिखाओ और उसके बदले जो पैसा प्रचार के लिए दे रहे हैं वो भी मुझे ही दो। अब आपके जैसे और लोगों को लाइए, रेफरल का नाम दे दे करके यहाँ पे लोगों को इसमें ज्वाइन करवा करके। प्रचार देखो और रोज 1200-1300 रुपया कमाओ। ये स्कीम बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट के हैं वो मुझसे पूछे हैं कि भाई ये जो स्कीम है ये सही है या गलत है, इसके बारे में बताओ। और फिर इसके बाद मुझे याद आ गया वो समय जिस समय सोशल ट्रेड करके एक वेबसाइट बहुत चला करता था जहाँ पे लाइक करने के लिए जो है पैसा मिलता था। मतलब ये है कि आप उसके स्कीम में ज्वाइन कीजिएगा कुछ पैसे दे करके, और फिर आपको जो है बहुत सारे पेज लाइक करना है। जब लाइक करेंगे तो जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, और वो जो अर्निंग होगा जिस तरह के स्कीम में ज्वाइन करेंगे, जिस लेवल का ज्वाइन करेंगे उसके अनुसार से आपको अर्निंग होगा पर डे के हिसाब से, राइट। अब अभी जो चल रहा है मार्केट में इस तरह का स्कीम कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, उसके स्कीम में ज्वाइन करना है और कुछ रुपया दे करके ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको जो है रोज 1200, 1500, 2500 इस तरह से अर्निंग करने को मिलेगा। फिर लोगों के मन में आता है कि भाई ये रियल है या फर्जीवाड़ा हो जाएगा। तो आप खुद समझ जाइएगा इस वीडियो को देखते देखते कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ कि ये काम जो है जेन्युइन में हो सकता है या फर्जीवाड़ा आपके साथ हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके चाहते हैं कि जैसे लोग और लोग डिजिटल मार्केटिंग से इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और इस चीज़ से जो है मोटिवेट होकर के इस तरह के स्कीम में ज्वाइन करते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट जो है इसको समझते हैं। देखिए इसमें दो तीन पॉइंट है। पहला है कि आपको फ्री में ज्वाइन करना है तो लोभ दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा कि आपको शुरुआत में फ्री में ज्वाइन करना है और बाद में जो है आपको जो है उसका प्लान परचेज करना पड़ेगा। अब प्लान परचेज करना पड़ेगा तो कितने का प्लान होगा? 6000, 7000, 10000 हर टाइप का प्लान होगा। ऐसा क्यों होगा? 6000, 5000 में क्या मिलेगा और 10000, 15000 में क्या मिलेगा? मतलब जितना कम से ज्वाइन करेंगे डेली का अर्निंग उतना कम रहेगा, और जितना ज़्यादा से ज्वाइन करेंगे आपको डेली जो है उतना ज़्यादा प्रचार देखने को मिलेगा, और उस अनुसार से जितना ज़्यादा प्रचार देखने को मिलेगा फिर अर्निंग आपका उतना ज़्यादा होता चलाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कंपनी फर्जी है या मतलब कि रियल वाला कंपनी है। तो देखिए दोस्त, को पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने से, लाइसेंस ले लेने से, लाइसेंस का मतलब है कि कंपनी एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कर लेने से, प्राइवेट लिमिटेड कर लेने से वो कंपनी जेन्युइन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो जस्ट एक रजिस्ट्रेशन है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और वो रजिस्ट्रेशन ले चुका हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से, लेकिन उसका काम करने का तरीका से समझेंगे कि ये काम जेन्युइन है, लंबा टाइम चलेगा या आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप पैसा देकर के ज्वाइन कर लिए, कम पैसा मान लीजिए 5000 रुपया दिए और रोज जो है 1000-1200 रुपया कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब आप पैसा जैसे दिए तो आपका जो है डेटा भी लिया जाएगा ताकि आपको लगे कि जेन्युइन है। जैसे क्या? पैन नंबर लिया जाएगा, और जिस अकाउंट में पैसा आएगा पर डे वो बैंक अकाउंट लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो लोग पहले से ज्वाइन किया हुआ है उसका अर्निंग आ भी रहा है, ये सच्चाई है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा होगा। अगर बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें पर डे के हिसाब से जैसा प्लान होगा वैसा पैसा भी आ रहा होगा। उस बंदे को मोबाइल पे मैसेज भी आ रहा होगा कि इस बैंक में जो है इतना रुपया क्रेडिट हुआ है, किस कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ उसमें डिटेल होगा। ठीक, अब चलिए अब बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। बिजनेस मॉडल ही बताएगा कि ये तरीका गलत है या सही है। देखिए आपका अर्निंग कैसे होगा प्रचार देखने से, ठीक है, इसको समझते हैं। और कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा? जो कंपनी आपको पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि आप जो है उसमें ज्वाइन किए हैं तो एक ज्वाइनिंग फी रखा है, फ्री नहीं रखा है, एक ज्वाइनिंग फी रख दिया है कि कम से कम आपको इतना से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंपनी का एक तरह से जो है इनिशियल पेमेंट कह सकते हैं या कह सकते हैं एडवांस पेमेंट जो है कंपनी ने रख लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लिया, कह सकते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। चलो इतना तक तो चलता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जितना मैंने लगाया है उससे ज़्यादा तो कुछ दिनों में रिकवर ही हो जाएगा, 5 दिन 10 दिन में तो रिकवर हो जाना है, तो नुकसान कहाँ से है? नुकसान मैं बताता हूँ कहाँ से है।
पहले तो इसको मॉडल को पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वो कंपनी वाले आपको पैसा दे रहा है दो तरफ से। क्यों? क्योंकि प्रचार करने वाले कंपनी जो है उस कंपनी को पैसा दिया जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, और वो कंपनी जिसमें आपने ज्वाइन किया वो इसलिए आपको पैसा दे रहा है क्योंकि एक तो ज्वाइनिंग फी है और दूसरा जो है जितना प्रचार आप देखेंगे तो उतना जो है कुछ कंपनी रख लेता है, कुछ आपको पैसा देता है। कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि देखिए, आप इंटरनेट पे ये सब चीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम देखते हैं, वहाँ पे जो प्रचार चलता है वो प्रचार का पैसा कौन ले जाता है? प्लेटफॉर्म वाला ले जाता है। प्लेटफॉर्म वाला का मतलब हो गया कि यूट्यूब अपना कमीशन ले लिया, मतलब गूगल ने ले लिया, इसके बाद जो है फेसबुक अपना कमीशन ले लिया, इंस्टाग्राम पे भी है तो फेसबुक ने ही अपना कमीशन ले लिया है, ट्विटर पे है तो ट्विटर ने ले लिया। लेकिन प्रचार तो आप और हम देखते हैं ना, एज ए कंज्यूमर देखते हैं, कंज्यूमर को देखने का क्या मिला? कुछ नहीं। जबकि ये कंपनी क्या कर रही है कि वहाँ प्रचार देखे तो कुछ नहीं मिला, यहाँ प्रचार देखिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। भाई मेरे एक बात बताओ, कंपनी वाला जो प्रचार फाइनल जो पैसा दे रहा है आपको भी दे रहा है, और जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए उस दोनों को प्रचार के लिए पैसा देने वाला कौन है? क्योंकि दोनों को कमाई आपका और जिस कंपनी में ज्वाइन किए उसका, दोनों का कमाई तो प्रचार के कारण है। प्रचार कौन दे रहा है? एडवर्टाइजर दे रहा है, मतलब कि प्रचार करने वाली कंपनियाँ। तो एडवर्टाइजर जो है वो पैसा दे रहा है प्रचार देखने का। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहीं से हंसी लगेगा और आप कहेंगे अरे यार ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं। देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा? प्रचार करने का मेन पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? पर्पस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसका प्रचार पहुँचे, और जिसके पास पहुँचे वो एटलीस्ट डिसीजन ले सके उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए किसी च्यवनप्राश का प्रचार है, किसी साबुन का प्रचार है, किसी मान लीजिए मोबाइल का प्रचार है, तो ये सब कंपनियां प्रचार इसलिए डालती है ताकि अवेयरनेस फैले, लोगों के पास मेरा जो है ब्रांडिंग जाए, पर्सनल ब्रांडिंग बने, और कल के डेट में वो जो कंज्यूमर है उसको खरीद सके। आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, डिजिटल प्रचार करने का तरीका ये है कि इंटरेस्ट बेस्ड जो है प्रचार चलता है। मतलब जो लोग मोबाइल खरीदने की इच्छा रखता होगा उसका एज ग्रुप टैली करेगा, जेंडर टैली करेगा, इंटरेस्ट टैली करेगा, तो जाके उसके पास मोबाइल का प्रचार दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मोबाइल खरीदना ही ना चाहता हो उसके पास मोबाइल का प्रचार पहुंच जाए, जो जूता खरीदना ही नहीं चाहता उसके पास जूता का प्रचार पहुंच जाए। ऐसा कोई एडवर्टाइजर चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो अब आप बताइए कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं और एडवर्टाइजर जो है वो आपके पास सिर्फ प्रचार जबरदस्ती दिखाने के लिए, जबरदस्ती आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप कमाने के लिए आए हैं, तो ऐसे में एडवर्टाइजर पैसा देगा? कोई देगा? आप ही को एडवर्टाइजर बना दिया गया। ठीक, और मैं कहूँ कि मैं आपका प्रचार देखूँगा, और आप बेच रहे हैं कौन चीज़ बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं साबुन, और मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपके प्रोडक्ट में, नहीं चाहिए मुझे आपका साबुन, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है सूज बेच रहे हैं और मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, और फिर भी आप मुझे पैसा देंगे इसके लिए क्योंकि मुझे कमाना है। अब कमाना तो हर इंसान चाहता है, तो मैं कहूँगा यार आप एडवर्टाइजर हैं, कहूँगा एक काम करो ना, आप अपना प्रचार मुझे दिखाओ और उसके बदले जो पैसा प्रचार के लिए दे रहे हैं वो भी मुझे ही दो, है ना? कंपनी बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप जबरदस्ती मुझे प्रचार दिखाएंगे जो कि ना मैं बाय करना चाहता हूँ ना इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी एडवर्टाइजर ऐसा काम नहीं करेगा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है यहाँ पे भी जो है वही मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो आ करके ये लोग जो है क्या करते हैं, जो लोग इसमें ज्वाइन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 5-6 हज़ार रुपया दे करके जो लोग ज्वाइन करते हैं, 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, प्लान के हिसाब से जो भी ज्वाइन करता है ना, तो उसी के पैसे को रोटेट किया जाता है। अब आपके जैसे और लोगों को लाइए, रेफरल का नाम दे दे करके यहाँ पे लोगों को इसमें ज्वाइन करवा करके, और बाद में जा करके लोग बार बार देखते हैं यार वही प्रचार बार बार आता है, तो फिर समझ जाता है कि यार यहाँ पे भूल होने वाला है, और शुरुआत में तो लोगों को पैसा मिलता है और फिर गायब हो जाता है।